कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। आज का वीडियो यह है कि मैं ग्रोसरी करने जा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा स्टोर है, यहाँ से आपको बड़ी क्वांटिटी में अमाउंट बड़ी अमाउंट में जो है चीज़ें मिलती है। तो बेसिकली घरों के लिए हम लोग यहाँ से जो वीकली और मंथली जो ग्रोसरी होती है वो यहाँ से करते हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं ये स्टोर कैसा है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, टीवी, कंप्यूटर्स, फ़ोन, हेडसेट, कपड़े। ये मॉल नहीं है, ये जस्ट स्टोर है। एक कॉस्को इसका नाम है। सिक्योरिटी कैमराज, घड़ियाँ और स्पेशली ये क्रिसमस का सीज़न है, फिर हो गया क्रिसमस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए गिफ्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स अपने बच्चों को और बड़ों को ये क्रिसमस वगैरह पे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं अपने बच्चों को भी। और ये सारा आजकल तो इधर अपने बच्चों को लेके आना बड़ा मुश्किल है, अगर आप यहाँ से आसानी से गुजर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉयज़ आए होते हैं आजकल के सीज़न में, स्पेशली इधर क्रिसमस जो है इसलिए। तो ये बैकअप कैमरा है गाड़ी रिवर्स करने के लिए, जो कैमरा है अपने डैशबोर्ड पे, डैश कैम जिसको कहते हैं, रिवर्स करने के लिए बैटरीज हैं, गाड़ी की जंप स्टार्ट है, वर्किंग ग्लव्स हैं और ये फोल्डिंग चेयर्स, हर चीज़ यहाँ से मिलेगी आपको। ब्लैंकेट भी मिल जाएंगे और तकिए भी मिल जाएंगे, चेयर्स भी मिल जाएंगी, घर के लिए सामान जो आप लोगों को, बल्ब, लाइट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ब्रेड्स वगैरह, बंस और सारी खाने की, बेसिकली हमें खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है फ़िलहाल, तो हम वो यहाँ से आके लेके जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मकदार में होती हैं और प्राइस भी इनके रिज़नेबल होते हैं, क्योंकि आप मेम्बर्स हैं इनके, क्वान्टिटी में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पैक्स बना के इन्होंने रखे होते हैं। बाज़ार से एक ब्रेड मिलती है, यहाँ से दो ब्रेड का पैक मिलेगा आपको, चाहे जोन सी भी आपने लेनी है, काफ़ी बड़ी ब्रेड होती है, हर किस्म की ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। एवोकाडोज़ हैं, रोटियां हैं, सारा कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे। ये कोल्ड स्टोर है, यहाँ पे जो ठंडी चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं इन्होंने, ताज़ा सब्ज़ियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो बेसिकली ठंडी जगह पे ही रखनी चाहिए वो सारी यहाँ पे हैं। कॉर्न्स हैं, सैलड कटा हुआ होता है, ये पैकेट मिलते हैं सैलड के, इसमें सारा सैलड कटा हुआ, आपने ड्रेसिंग लेनी है बस, ये डिफरेंट किस्म का सैलड है। और ये एक और है, ये भी सारे सैलड होते हैं और आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग बाय कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सैलड बहुत ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं।
ये पेपर्स हैं तीन कलरों की, ये चिल्ली है, ये भी स्पाइसी नहीं होती मगर ये है कि गुड लुकिंग भी होती है और टेस्टी होती है, मज़े की होती है। तो ये दूसरी वाली मिर्चें हैं, उनको ऐसे ही सॉटे करके सॉल्ट लगा के खाने के लिए स्नैक्स। ये सारी बेकरी है, ये पीछे फ्रेश जो है वो ब्रेड वगैरह और डिफरेंट काइंड ऑफ बेगल्स वगैरह यहाँ से सारे पीछे से फ्रेश बना बना के वो यहाँ पे रखते जाते हैं शेल्फ पे। सामने लोग लगे हैं। ये सारा मीट सेक्शन है, मीट सेक्शन का ये है कि हम लोग तो हलाल खाते हैं तो यहाँ से हलाल मीट नहीं मिलता, तो ये गोरों वगैरह के लिए हैं, दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ से मीट लेके खाते हैं। ये पीछे सारी बुचर शॉप है, अंदर से उन्होंने बना बना के यहाँ पे फ्रेश काट काट के रखे जाते हैं। तो ये सारा सी फूड है, क्रैब्स हैं और ये पड़ा हुआ है लॉबस्टर, पड़ा हुआ है श्रिम्स, पड़ी हुई हैं फिश, पड़ी हुई है में हर चीज़ उन्होंने बेसिकली थोड़ी थोड़ी रखी होती है। फ़िश भी है, तो फिश तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं जो हमने खानी है। ये सारी सालमन पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। वो है चिकन वगैरह, होल चिकन है, ये भी पीछे फ्रेश बन रहे हैं और ये होल चिकन वगैरह इन्होंने पका के रखा हुआ है, मगर हम लोग सिर्फ हलाल खाते हैं तो हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। ये लाइक दिस वन, ये सारी चीज़ है, हर किस्म की चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है चीज़ खाने के लिए। एक पैक बनाया हुआ उन्होंने जिस तरह में, इसमें पांच किस्मों की डिफरेंट चीज़ है ऐसे खाने के लिए, ड्राई जैसा स्नैक खाने के लिए। आपको कौन सा मिल्क चाहिए? ऑर्गेनिक मिल्क चाहिए, आलमंड मिल्क चाहिए, आलमंड मिल्क भी है। सारा पानी का सेक्शन है, यहाँ पे बॉटल वाटर है, हम बॉटल वाटर यूज़ करते हैं सारा, आप देख सकते हैं कोकोनट वाटर, बॉटल वाटर, जूस सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं उतनी देर में अपनी वाइफ की हेल्प करूँ पानी उठा कर। आप रास्ता बढ़ती जा रही है और इसने काफ़ी ज़्यादा भजन है, पानी के 2 केसेस मैंने नीचे रख दिए हैं। ये पूरी लाइन जो है ये जूसेस हैं, यहाँ पे सिर्फ जूसेस, वाटर जूसेस सारे। पाकिस्तानी स्टाइल वाली ये कोको कोला की बोतल, ये बड़ी महंगी लगाई होती है इन्होंने 22। यहाँ पे कैट्स फूड, डॉग्स फूड, वो भी सारा बिल्लियों का, कुत्तों का, सबका फूड भी इन्होंने रखा हुआ है पीछे साइड। ओके जी, हमारी कार्ट भरती जा रही है, बच्चे साथ आए हुए हैं और ये बहुत ज़िद करते हैं अगर कोई चीज़ लेनी हो तो। ये चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, सारी पूरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है इसमें सारे चिप्स हैं, वो एंड तक जहाँ तक वो बंदा खड़ा है ना उसके आगे तक। और ये सारा फ्रोज़न फूड है, इसमें मछली है, फिश है, सी फूड है और ये इन्होंने हलाल फूड भी रखा होता है आजकल। ये जो पूरे पूरे बकरे पड़े हुए हैं इसके अंदर, और वो जो नीचे बॉक्सेस हैं उसमें वो कटे हुए पड़े हैं सारा गोट, गोट मीट। ये पिज़्ज़ा
बॉक्स है, इसमें चार पिज़्ज़े हैं। आप अपने ओवन में जाके इनको बेक कर सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, जस्ट लाइक आजकल इनके स्कूल चल रहे हैं तो ब्रेक टाइम में, ऑनलाइन स्कूल बेसिकली, तो ब्रेक टाइम में जल्दी जल्दी से बेक करके रेडी पिज़्ज़ा उनको बना के दे सकते हैं थोड़े टाइम के अंदर अंदर। चॉकलेट है, और इधर कितनी किस्मों की चॉकलेट्स, बेल्जियम कुकीज़, ये सारे कुकीज़ वगैरह पड़े हैं, ये नहीं कहना चाहिए। ये सारी वाइन है, ये हेलोवीन के सारे ड्रेसेस हैं, प्रिंसेस के हैं और अलग अलग बच्चों के बने हुए हैं हेलोवीन पे पहनने के लिए। ये भी पूरी लाइन एक चॉकलेट्स की हैं, ये डार्क चॉकलेट है, ये सारी मिक्स चॉकलेट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मकदार में क्वांटिटी में चॉकलेट्स मिलती हैं, तो बहुत अच्छी होती है, और ये सबसे मेरी फेवरेट है, बहुत ही मज़े की होती है। ये $10 की है, नेचुरल डस्टेड विद कोका पाउडर, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ऐसे नरम सी चॉकलेट होती है। गिफ्ट पैक बनाए हुए हैं अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स देने के लिए, पैक्स हैं सारे। ये भी कोई किस्म की चॉकलेट है, अंदर कुकीज़ हैं या चॉकलेट भरी हुई है, ये भी सारी। ये भी चॉकलेट्स है सारी, ये आप बेटाइमी भूख जब लगती है तो उसके टाइम खाने के लिए बार बनाई होती हैं, काफ़ी हेल्दी होती हैं, बीच में आलमंड्स, पीनट बटर, कोई तो सिर्फ नट्स की बनाई हुई है, ये बहुत अच्छी है, बहुत फेमस है, इसमें सिर्फ नट्स हैं। एज यू कैन सी, ये पूरा सेक्शन कपड़ों का है, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, इतना ज़्यादा ये वो ब्रांडेड तो नहीं होते मगर काफ़ी अच्छे इनके कपड़े होते हैं यहाँ पे, ये जो स्लीपिंग सूट्स वगैरह बच्चों के, पजामाज और इस किस्म के होती हैं, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ इन्होंने रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। बुक्स हैं ये सारी, और ये अनार का जूस है, बड़ा अच्छा होता है ये भी, जस्ट लाइक फ्रेश जिस तरह निकाला होता है ना वही है। तो ओके जी, ये सारे रजिस्टर्ड हैं, सारे सेल्फ सर्विस भी है, सेल्फ पे भी कर सकते हैं और लाइन में लग के आप कैशियर को पे कर सकते हैं बेसिकली। तो हमने ले लिया सारा कुछ, वी आर रेडी टू गो, ये हमारा सामान है, और ये ऑलमोस्ट 15-20 दिन का जो है कोटा है। ये यहाँ पे अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाना पड़ता है इनको, फिर ये आपको पे करने देते हैं, फिर पे करते हैं यहाँ से। हर रजिस्टर पे दो लोग खड़े होते हैं, एक हेल्प करने के लिए और एक कैशियर। ऐसे अब सारा सामान गाड़ी में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सारी शॉपिंग हो गई है, मैंने अंदर से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश की अंदर से, आपको दिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कि ये स्टोर कैसा है अंदर से और क्या क्या यहाँ से मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।